एक पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, याद रखिए, ये कभी आपको ये बात कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जिंदगी में देना शुरू कीजिए। देने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप अपना लुटा दें, देना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे देना शुरू करें, अगर आपके पास वक्त है तो लोगों को वक्त देना शुरू करें, अगर आप अच्छी बात समझते हैं तो लोगों को मशवरा देना शुरू कर दें, अगर आपके पास इल्म है तो लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, काम जानते हैं तो लोगों को सिखाना शुरू कर दें, लोगों के लिए अच्छा अच्छा सोचें। यकीन करें, ये रिटर्न बैक है। ये जो देने की सिफत है ना, देने की, ये इंसान की नहीं है, ये अल्लाह की है। अल्लाह देता है और वापस नहीं लेता है। जिंदगी के बड़े बड़े कामयाब लोग प्रॉफिट में, बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाबी, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत लोगों की मिसाल है अलबैक, आप नेट पर सर्च कर लें, अलबैक की लक्कर रास किया है, आपके सामने आ जाएगा। जुनेद जमशेद मरूम को आप जानते हैं, जब उन्होंने सिंगिंग छोड़ी, करोड़ रुपए कमाता था वो, लास्ट उन्होंने 1 करोड़ पेप्सी से लिया था कॉन्सर्ट, और उन्होंने सिंगिंग छोड़ दी, गाना गाना छोड़ दिया, पैसे खत्म हो गए। आखिरी दिन वो कह रहे थे कि मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, मैंने अपनी बीवी को 100 रुपए दिए और बोला ये लो, और मुझसे पैसे नहीं मांगना, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। एकदम जीरो हो गए, कोई पैसा नहीं था उनके पास, शायद उन्होंने बच्चों को भी स्कूल से उठवा लिया था, पैसे नहीं थे। और क्या वक्त था जब वो करोड़ों रुपए कमाते थे। वहां से वो अपने दोस्त सोहेल दोस्त से मिले, दोस्त ने उनको फॉर्मूला दिया, वही फॉर्मूला जो मैं आपको कह रहा हूँ, देना शुरू करें। यही अलबैक ने अपनाया और ये लाजमी फॉर्मूला है, करके देखिए, अगर नुकसान होगा मैं आपके सामने जिम्मेदार हूं उसका। जिंदगी में जो कुछ प्रॉफिट आप कमाए ना, जो भी कुछ कमाए, जो भी प्रॉफिट हो, उसका 5% कैलकुलेशन के साथ आप अलग कर लें। आप देखिए, वो 5% 10% बन जाएगा, आपकी जो आमदनी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपके 5% निकालना वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। किसी भी बड़े प्रश्न से पूछ लें, जिसने ये किया हो या जिसने ये किया है उसने बहुत कमाया है। अपनी आमदनी में से कुछ इंसानों के लिए निकाल दें जिनको जरूरत है आपके पैसों की। याद रखिए, अल्लाह ताला किसी का कर्ज नहीं रखता। एक साहब थे, बहुत मशहूर वाकया है एक साहब का, बेचारे बहुत गुर्बत में रहते थे, कभी पेट भर के उन्होंने खाना नहीं खाया। एक दिन वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे तो उनके पास एक फरिश्ता आया, उन्होंने पूछा आप कौन। फरिश्ता ने बोला मैं रिस्क तकसीम करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब बात हो सकती थी। उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में कितना रिस्क है। तो फरिश्ते ने कहा तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 10 रोटियां हैं, उसके बाद कोई रिस्क नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। उन साहब ने कहा क्या आप वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं एक साथ इकट्ठी, मैंने कभी 10 रोटियां एक साथ नहीं देखी, मुझे तो कभी एक रोटी पूरी नहीं मिली है, क्या वो 10 रोटियां आप मुझे दे सकते हैं। उसने कहा अगर मैं 10 रोटी मैंने तो मैं दे दूं तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं है, खत्म, बस इतना ही रिस्क है। उसने कहा मुझे रिस्क दे, मैं जानू मेरा काम जाने, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं 10 रोटियां देखूं। फरिश्ते ने 10 रोटियां उनको दे दी और चले गए, और यही सोच के चले गए कि इनका इंतकाल हो जाएगा, रिस्क उनकी किस्मत में है नहीं। अब चंद माह के बाद वो फरिश्ता वहां से गुजर रहा था तो उसने सोचा यार इसका हाल तो देखूं, वो बंदे का क्या है, अब तक तो मर गया होगा वो। उन्होंने देखा तो उसके घर के बाहर लोगों का झूम लगा हुआ है, बहुत लोग जमा है, लोग खाना खा रहे हैं, देगे चढ़ी हुई हैं, सब लोग खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसको हैरत हुई कि इनकी जिंदगी में 10 रोटियां थी और ये इतने लोग कैसे खा रहे हैं। उसने हैरत से पूछा आपकी जिंदगी में सिर्फ 10 रोटियां थी, ये इतना सारा खाना कहाँ से आ गया। तो उसने कहा तुम जो मुझे 10 रोटियां देके गए थे वो तो मैं सिर्फ 2 रोटियां खा सका, बाकी 8 मैंने लोगों में बांट दी, जब वो मैंने बांट दी अल्लाह की राह में बांट दी। अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। वो 8 रोटियां 80 होके मेरे पास आ गई, खाना आने लगा, मुझे नहीं पता खाना कहाँ से आने लगा, रिस्क कहाँ से आने लगा मुझे नहीं पता, जितना मुझे आता था मैं खाता था और बाकी मैं बांट देता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं लोगों को बांटने लगा। ये जो बांटने की सिफत है ना, ये बहुत बड़ी है। शेयर कीजिए, लोगों में शेयर करें, लोगों को दीजिए, कुछ भी है आपके पास, जो कुछ भी है दे दीजिए। अगर आप कुछ जानते हैं लोगों में बांट दीजिए। अगर आपका पैसे ज्यादा है, आपकी जरूरत से ज्यादा है, लोगों को बांट दीजिए। ये जो अक्सर लोग पीछे से गाड़ी में हॉर्न बजा रहे होते हैं, आप यकीन करें उसको रास्ता दे दें, आप अपने वक्त पे ही पहुंचेंगे, कभी भी लेट नहीं होंगे। याद रखिएगा इस बात को, दे दीजिए रास्ता, जिसको जो जा रहा है जाने दीजिए। तो ये देने की जो सिफत है ना, इसको आप अपनाएं। कभी भी आप देखिएगा
कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। जब आप देना शुरू कर देते ना तो आपकी नियत अल्लाह ताला से जुड़ जाती है, तो आप कभी भी परेशान डिप्रेस नहीं होते। जितना ज्यादा आप देने वाले बनेंगे उतनी ज्यादा आपको खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आप तय कर लें कि हर महीने कुछ ना कुछ, अगर कुछ भी नहीं तो अपने घर के बाहर एक बर्तन में ठंडा पानी, कुछ दाल या चावल या बाशा बाहर रख दें जहाँ परिंदे आते हो। ये बहुत बड़ा सदका है। वो परिंदे खा के जाएंगे, वो परिंदे पानी पियेंगे। आप नेस्ले का पानी नहीं रखें, आप नल का पानी रखें, टैप का वाटर रखें, वो मुफ्त है, वो पी के जाएंगे पानी। इसको एक आदत बना लें आप, फिर आप देखिए आप कहाँ से कहाँ जाएंगे।